इस वीडियो में हम HDLC के बारे में जानेंगे, जिसका पूरा नाम होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। इट स्टैंड्स फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। द HDLC प्रोटोकॉल इज अ जनरल पर्पस प्रोटोकॉल विच ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। तो HDLC प्रोटोकॉल जनरल पर्पस प्रोटोकॉल है जो OSI रेफरेंस मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर ऑपरेट्स होता है। HDLC इज बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल प्रोटोकॉल इन डाटा लिंक प्रोटोकॉल। तो HDLC बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यह डाटा लिंक प्रोटोकॉल में मोस्ट इम्पोर्टेंट और आवश्यक प्रोटोकॉल है, एसेंशियल प्रोटोकॉल है। डाटा इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स ऑल्सो नॉन एज डाटा फ्रेम्स। डाटा को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें डाटा फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है। HDLC वॉज डिफाइंड बाय ISO फॉर यूज एंड बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट डाटा लिंक्स। HDLC को ISO द्वारा पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट डाटा लिंक दोनों पर उपयोग के लिए डिफाइंड किया गया था। अब ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एज वेल एज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यह HDLC सपोर्ट करता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को और साथ ही हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को। HDLC वॉज हाईली डेवलप्ड एंड यूज बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। HDLC को ISO हाईली डेवलप्ड और ISO द्वारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया गया था। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल थ्रू विच इंफॉर्मेशन और डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। यह प्रोटोकॉल का एक ग्रुप है जिसके माध्यम से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सूचना या डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ISO। इसे ISO द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज यूज इन द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह OSI मॉडल के सेकेंड लेयर में उपयोग होता है, डाटा लिंक लेयर में। HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। HDLC जो होता है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इट सपोर्ट्स बोथ वायरलेस एंड वायर्ड कम्युनिकेशन। यह वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। यह हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड को भी सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट द डाटा विल रीच इट्स डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। यह सुनिश्चित करता है कि डाटा बिना किसी एरर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हेयर डाटा इज ऑर्गेनाइज इंटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम। यह डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। यह डाटा को स्मॉल यूनिट में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। डाटा इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो जो डाटा होता है, डाटा को सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्रेम के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। सिस्टम यूजिंग HDLC आर कैरेक्टराइज बाय। तो सिस्टम का उपयोग करने की विशेषता तीन प्रकार का दिया गया है, स्टेशन टाइप्स, कॉन्फ़िगरेशन, रिस्पॉन्स मोड। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेशन टाइप्स। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेशन हैव बीन डिफाइंड। तो स्टेशन टाइप थ्री टाइप्स में डिफाइंड होता है, प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन, कंबाइंड स्टेशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टेशन को। प्राइमरी स्टेशन इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द लिंक। द फ्रेम्स सेंट बाय प्राइमरी स्टेशन आर कॉल्ड कमांड्स। तो इसमें लिंक को जोड़ने और डिसकनेक्ट करने की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी स्टेशन द्वारा भेजे गए फ्रेम्स को कमांड कहा
जाता है। अब सेकेंडरी स्टेशन, ऑल द सेकेंडरी स्टेशन वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्टेशन, द फ्रेम सेंट बाय सेकेंडरी स्टेशन आर कॉल्ड रिस्पॉन्स। सभी सेकेंडरी स्टेशन प्राइमरी स्टेशन के कंट्रोल में काम करते हैं। सेकेंडरी स्टेशन द्वारा भेजे गए फ्रेम को रिस्पॉन्स कहा जाता है। और थर्ड है कंबाइंड स्टेशन। कंबाइंड स्टेशन कैन बिहेव आइदर एज प्राइमरी और एज सेकेंडरी स्टेशन, इट कैन सेंड कमांड एज वेल एज रिस्पॉन्स। तो एक कंबाइंड स्टेशन या तो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेशन के रूप में व्यवहार कर सकता है। यह कमांड के साथ साथ रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया भी भेज सकता है। अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इट डिफाइंस हाउ द वेरियस स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ लिंक। तो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है कि वेरियस स्टेशन एक लिंक में कैसे कनेक्ट होते हैं या कनेक्टेड हैं। और देयर आर थ्री पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। थ्री पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन का, अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट देखते हैं रिस्पॉन्स मेथड। तो HDLC सपोर्ट थ्री मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड NRM, एसिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड ARM और एसिंक्रोनस बैलेंस मोड ABM। अब HDLC के फीचर्स, रिलेबल प्रोटोकॉल, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, फॉलो कंट्रोल, इट यूजेस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ऑल ट्रांसमिशन आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। और लास्ट देखते हैं HDLC के बारे में। तो HDLC का पूरा नाम होता है सिंक्रोनस डाटा लिंक कंट्रोल। इट इज़ अ जनरली लिंक लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज विद द सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर SNA इन्वायरमेंट। SNA is a proprietary networking architecture of IBM that is developed in 1974. HDLC also supports a variety of topology and different types of data link. So, synchronous data link control HDLC उस प्रकार का link layer protocol होता है जिसका उपयोग system network architecture SNA environment के साथ किया जाता है। SNA IBM का एक प्रोप्राइटरी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जिसे 1974 में डेवलप किया गया था। HDLC वेरियस वैरायटी ऑफ टोपोलॉजी एंड वैरायटी ऑफ डाटा लिंक को भी सपोर्ट करता है। एग्जांपल, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मल्टी पॉइंट लिंक, स्विच नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क ETC इंक्लूड है। अब एग्जाम्पल यही था, एग्जाम्पल इंक्लूड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, मल्टी पॉइंट लिंक्स, स्विच नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क ETC। इट आल्सो यूजेस प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन मॉडल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन ऑन एन HDLC डाटा लिंक। ऑल ऑफ डाटा एंड कंट्रोल ट्रांसमिशन आर सिंपली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट इज बेसिकली नाउन एज ट्रांसमिशन फ्रेम। ट्रांसमिशन फ्रेम इज आल्सो नाउन एज HDLC फ्रेम और जस्ट अ फ्रेम। यह डाटा कम्युनिकेशन के प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन मॉडल का भी यूज करता है। एक HDLC डाटा लिंक पर सभी डाटा और कंट्रोल ट्रांसमिशन को केवल स्पेसिफिक फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज किया जाता है जिसे बेसिकली ट्रांसमिशन फ्रेम के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा हर जगह कमेंट में भी। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।